The soil is dying. So now we have to take adequate steps to save the soil. And today I am at an event that is none other than the Save Soil event. So आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार होने वाला है अर्थ के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व आर सॉइल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो हैलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पे है पीछे अपना मरीन ड्राइव और हम लोग आज एक बाइक रैली करने वाले हैं फॉर द सेव सॉइल इवेंट. ओके, सो बने रहिए व्लॉग में और फुटेजेस जो है वो आते रहेंगे. ओके, चलिए. अपना बाइक राइड जो होने वाला है उसका ब्रीफिंग है एंड पीछे ब्रीफिंग के लिए सब लोग खड़े हुए हैं. अभी अपने साथ बहुत सारे राइडर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली वी हैव 100 राइडर्स विथ अस एंड वी डू हैव द पुलिस परमिशन और सब एकदम सिस्टमेटिकली हो रहा है. ऑल द गुड बाइक्स अराउंड. वहाँ पे अपनी फायर ब्लेड रेपसॉल भी है and a very very long queue of bikes. So ये जो vlog होने वाला है इसमें मैं आपको exactly जो safe soil movement queue है वो directly bike के ऊपर बताऊँगा. So उसके लिए wait करना. So I have started my fire blade and we all are leaving ride for safe soil has begun. मैं आपको पूरा का पूरा जो आइटिनरी है वो एंड व्हाट इज सेफ सॉइल आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. वी आर गोइंग फॉर अ कॉज और ये जो कॉज है इसमें वी वांट टू कन्वे अ मैसेज दैट द सॉइल इज डाइंग और इट इज प्रूवन बाय द रिसर्च कि जो अपना सॉइल होता है इट इज बीन डाइंग बिकॉज ऑफ द हैवी industrialization and all the chemicals that are being thrown on the soil, the root cause is human beings. तो अभी जितना भी ये जो soil है अगर समझो ये soil खराब हो चुका है तो उसको अगर हम लोगों ने save नहीं किया so the future generation will not be able to cultivate crops और ये situation बहुत ही dangerous situation होने वाला है फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए अगर हमको सेव करना है सो वी हैव टू स्टार्ट राइट अवे, अभी के अभी हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज सॉइल जो है इट विल लास्ट ओनली फॉर मोर 40 to 50 years. और अगर आपने सदगुरु का यूट्यूब चैनल देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि सॉइल जो है इट इज़ मोर टूवर्ड्स the destruction. तो we all are towards the cause और हम लोग चाहते हैं कि अपना जो message है और लोगों के पास जाए and policy level पे ये structure हो between the countries. So Sadhguru जो है he is riding on a bike for 30,000 kilometers. So 30,000 kilometers Sadhguru ride कर रहे हैं and message पहुँचा रहे हैं. एंड सदगुरु जो है ही इज राइडिंग फ्रॉम लंदन टू कावेरी बेसिन्स. तो आप भी हमारे साथ ये जो कॉज है इसमें जुड़िए और ये जो व्लॉग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो बिकॉज दिस कॉज इज वेरी वेरी ह्यूज. सो आई होप यू ऑल आर हैप्पी विद द कॉज एंड आई होप कि आप लोग ये कॉज में हमारा साथ भी देंगे. तो शहर की गलियां में हम लोग जा रहे हैं ताकि सारे लोगों को पता चले. देखिए अभी ये भी यहाँ पे है जिन्होंने सेफ सॉइल मूवमेंट को अपने नज़र से देखा है और हम लोग वही चाहते हैं कि यार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि ये एक्चुअली रैली किस चीज़ के लिए है एंड व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस. बिकॉज सदगुरु ने अपने व्लॉग में भी कहा था और सदगुरु कहते भी है कि
लोग पूछेंगे दैट व्हाई आर यू राइडिंग. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई शुडंट वी राइड. एकदम सिंपल लॉजिक उन्होंने बताया था, और ये लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को राइड करना चाहिए फॉर द सॉइल. तो अपना जो फर्स्ट हॉल्ट है वो प्रियदर्शनी पार्क जो है वहां पे हुआ है, और यहाँ पे भी विल बी डूइंग सम गुड एक्टिविटी. तो ये सारी एक्टिविटीज का जो फुटेज है वो अपने व्लॉग पे ही रहने वाला है. सो डेफिनेटली एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक और कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में. सो प्रियदर्शनी में अपना जो था इवेंट वो भी हो चुका है. नाउ वी आर लिविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज वर्ली, उसके बाद दादर, एंड उसके बाद जाएंगे बांद्रा. तो सारे राइडर्स जो है यहाँ पे लाइन अप कर चुके हैं. अभी मैं एकदम राइड के लास्ट में हूँ. मैं आपको सारी बाइक्स जो जो आज पार्टिसिपेट किया है फॉर द सेफ सॉइल इवेंट उनको सारे लोगों को कवर करूँगा. सो यहाँ पे भी वी हैव राइडर, वी हैव समवन ऑन द रॉयल एनफील्ड. सो यहाँ पे भी राइडर्स है. ये सो वी हैव मोर राइडर्स अहेड. सो वी हैव द राइडर्स ऑन द रॉयल एनफील्ड, देन सम मोर रॉयल एनफील्ड. देन ऑन एक्टिवा, देन ऑन the CB Highness and a lovely GS 1200. Let's cover them. And some more riders over here. सबको कवर करना जरूरी है. वी हैव सम मोर हियर एंड हियर. आई एम जस्ट गिविंग अ गुड थम्स अप फॉर एवरीवन हियर एंड हियर हियर ऑन द लवली Africa Twin. एंड यहां पे भी बहुत सारे राइडर्स है. सो लेट्स कवर अप ईच एंड एवरी वन. सो वी हैव एवरी वन लाइंड अप ओवर ऑल द न्यू एंड ओल्ड काइंड ऑफ बाइक्स जो एकदम मस्त दिख रहे हैं. यहाँ पे सारे लोग है. तो अभी हम लोग हजियाली के जो मेन रोड है वहां पे है, एंड यहाँ पे भी राइडर्स है. जस्ट गिव सम थम्स अप. यहाँ पे भी है ऑन द हार्ली. सो दिस इज द फर्स्ट पोजिशन वेयर ऑल द राइडर्स कैन बी सीन. We also have the lovely photographers जो काफी effort ले रहे बेचारा इतना मेहनत कर रहे Wait. We also have Ara Alexander and the photographer. बहुत मेहनत कर रहे हैं इन लोग. So a big shout out to these guys. जो है बापा अपने दिल के काफी करीब है. तो गणपति बापा मोया, गणपति बापा जो दादर में अपना लोकेशन है वहां पे वी हैव कम, एंड दिस इज द लोकेशन. तो यहाँ पे पीछे हो रहा है डांस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डांस है. आई विल जस्ट शो यू. सो गाइस, इस तरह ये सेफ सॉइल का डांस होता है. कैसे लग रहा है गाइस, पूरा का पूरा जो ब्लॉग है वो
सो गाइस अभी अपने जो कॉप्स है वो भी फोटोज के लिए यहाँ पे आए हैं। आई शो यू सो दैट्स अ मेगा इवेंट दैट इज बीन हैपनिंग। और अभी इसके बाद विल बी गोइंग टुवर्ड्स द बैंड स्टैंड जो ताज लैंड स्टैंड है वहां पे, तो बने रहिए व्लॉग में। और यहाँ पे अपना जो बैंड स्टैंड है उसका रास्ता है, राइट लेना अलाउड नहीं है, बट एज वी हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट एंड कॉप्स आर विद अस, सो हेंस वी आर बीन टेकन फ्रॉम दिस रूट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इनटू द बांद्रा फोर्ट विद अ बाइक। जनरली यहाँ से अपनी बाइक्स को एंट्री कभी भी नहीं दिया जाता है, सो वी आर क्वाइट लकी विद द हेल्प ऑफ द इवेंट हम लोग को मौका मिला। सो बैंड स्टैंड यहाँ पे है एंड ऑल द लवली बाइक्स आर पार्क्ड ओवर हियर, अपनी फायर ब्लेड भी है, सो क्वाइट अ गुड प्लेस जहाँ पे फाइनल एक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पे भी पूरा अरेंजमेंट अच्छे से हुआ है। सी लुक एट एवरीवन, सेव सॉइल एंथम भी गा रहे हैं। अभी अपना जो फाइनल प्लेस था वहाँ पे भी इवेंट कवर हो चुका है, आपने देखा रहेगा इसके पहले के शॉट्स। तो गाइज अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए हो तो पक्का करके ही जाना, डो नॉट इग्नोर। ओके सो मिलते हैं अगले व्लॉग में जिसमें मैं ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट लेके आऊँगा। ओके फिलहाल तो एवरीवन हैविंग फूड, जो ब्रेकफास्ट है वो चालू हुआ है अभी, सबको करने दो ब्रेकफास्ट, मैं भी कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। ओके चलो सी यू सून, बाय बाय।